नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीति शर्मा, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से आज आपके सामने उपस्थित हूँ विषय अर्थशास्त्र की कक्षा में, कक्षा 12 में। आप जानते हैं जैसा कि दो पाठ पुस्तकें हैं, प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र और द्वितीय समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम पहला अध्याय शुरू करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या समझेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, और दूसरा पॉइंट समझेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और किसके द्वारा हुआ। और दूसरा मुख्य बिंदु है आपका वर्तमान पुस्तक का संदर्भ, यानी कि ये पुस्तक, ये पाठ्य पुस्तक किस रेफरेंस में लिखी गई, क्या रीजन रहे, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से आपको ये अध्याय पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए परिचय प्राप्त करते हैं इसका। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूलभूत अध्ययन से आप अवश्य ही पूर्व परिचित होंगे। इस अध्याय के आरंभ में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर का एक सरलीकृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिससे आप परिचित होंगे। यानी कि बच्चों जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे तो उसी समय आपने थोड़ा सा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूलभूत अध्ययन से आप किस तरीके से परिचित थे। बच्चों थोड़ा सा आप क्विकली रिवाइज कीजिए, आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा था? आपने एक व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ा था, आपने एक उत्पादक विशेष के बारे में पढ़ा था, एक फर्म कैसे काम करती है, कैसे कीमत निर्धारण करती है, इस बारे में पढ़ा था। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो आप वृहद अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र कैसे काम करता है, एक अर्थव्यवस्था की आय के स्रोत क्या होते हैं, एक अर्थव्यवस्था अपनी नीतियों को कैसे निर्धारित करती है, एक अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, एक जगह विशेष पर व्यापार चक्र किस तरीके से संचालित होते हैं, मुद्रा स्फीति कैसे आती है अर्थव्यवस्था में, या अर्थव्यवस्था मंदी की ओर कैसे बढ़ती है, इन बातों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। आइए अब हम एक परिभाषा देख लेते हैं प्रोफेसर बोलजिंग की। प्रोफेसर बोलजिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम व्यक्ति विशेष की किसी भी तरीके की पॉलिसी की या उसके क्रियाकलापों का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इन मात्राओं के योग का भी अध्ययन करेंगे, यानी कि जब वो सारे व्यक्ति मिलकर जो काम कर रहे होंगे उनके टोटल का, उनके कुल का, उनके समग्र का हम अध्ययन करेंगे। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता, इसका संबंध किससे होता है? पूरी के पूरे राष्ट्र आय से होता है, यानी कि हम एक राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट आता है बच्चों, संपूर्ण देश में अथवा अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में रोजगार की दशा बेहतर है अथवा बुरी हालत में है, अर्थव्यवस्था अच्छी है या फिर बुरी है, इसे प्रदर्शित करने का संकेतक क्या होगा, राज्य कौन सा कदम उठाएंगे अथवा लोगों की मांग करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार हो। हम किन बातों का अध्ययन करेंगे? हम ऐसी बातों का अध्ययन करेंगे जो अर्थव्यवस्था में किस तरीके से समस्याएं पैदा होती हैं, किस तरीके से उसका समाधान किया जाता है और उसके समाधान के लिए कौन कौन सी नीतियां कारगर होती हैं, ये समस्याएं उपजती क्यों हैं, हम इन बातों का अध्ययन करेंगे जो हमें देश की पूर्ण रूप से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएं, कैसे उसका विकास करें, कैसे उसकी विकास की गति को बढ़ाएं, इस बात का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उनकी जटिलताओं पर भी हम इसी तरीके से विचार करते हैं। अगला पॉइंट आता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप में देखें।
तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। यदि हम एक देश को लेते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो हम पाएंगे कि यदि किसी वस्तु विशेष की पैदावार में बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर निर्गत का मतलब है उत्पादन के स्तर से, यदि उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है तो उसके थ्रू, उसके द्वारा अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ने लग जाता है। कैसे? यदि खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्गत स्तर भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? खाद्यान्न का निर्गत कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए आपने गेहूं की पैदावार बढ़ानी है या चावल की पैदावार बढ़नी है, तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर की भी खपत और पैदावार उत्पादन बढ़ाना होगा। आपको और क्या करना होगा? आपको ट्यूबवेल्स बढ़ाने होंगे, आपको और जो जमीनें हैं, जो बंजर जमीनें हैं, उनको आपको उर्वरक बनाना होगा। तो एक तरीके से आपकी जो खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि हो रही थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आपका ग्रो कर रहा है। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति हो जाती है। माना कि जब कृषि का उत्पादन बढ़ रहा था तो ट्रैक्टर की भी उत्पादन बढ़ रहा था, और यदि कृषि का उत्पादन घटने लग गया तो फिर जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है उसका भी उत्पादन घटने लग जाता है, और इन दोनों के संचलन का संयुक्त प्रभाव इनके उत्पादन पर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लिया गया है, रोजगार, मुद्रास्फीति, आय, कीमत संयंत्र, इवन सरकार कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कार्य कर सकती है, इसके बारे में। अगला पॉइंट है, एक देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनती है, जैसे कृषि, उद्योग एवं सेवाएं। इनके बीच के जो आपसी संबंध होते हैं उसे समझने में भी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से मदद मिलती है। कृषि, उद्योग, सेवाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की यही रीढ़ होती है। कृषि, उद्योग और सेवाएं, कृषि बढ़ाओ, उद्योग बढ़ाओ और सेवा क्षेत्र बढ़ाओ, आपका विकास अपने आप बढ़ने लग जाएगा। और इन दोनों, इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है वो सकारात्मक सहसंबंध होता है, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र आगे आपको अध्ययन में समझाएगा। कैसे? जब कृषि बढ़ा तो हमने आपको बताया उद्योग बढ़ गए उससे रिलेटेड, जब उद्योग बढ़ेंगे तो कारीगर बढ़ेंगे, श्रमिक बढ़ेंगे, यानी कि सेवा क्षेत्र भी ग्रो कर गया। कृषि बढ़ा तो उद्योग बढ़ा, उद्योग बढ़ा तो सेवाएं बढ़ गई। अगला पॉइंट है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। उनकी यह पुस्तक 20वीं सदी के अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। ये है बच्चों जॉन मैनार्ड कीन्स, इन्होंने जब ये बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इससे अर्थशास्त्र की एक नई शाखा का जन्म हुआ, उसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये थ्योरी है, जनरल थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, इंटरेस्ट की और मनी की, यानी कि पैसे की। क्यों लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई, उसके लिए अगला पॉइंट है। 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बच्चों 1929 में महामंदी आई, क्यों आई? एक ऐसा समय था जब बहुत सारे तूफान आए, तूफान आने के कारण वहां की जो भूमि थी उनकी मिट्टियां उड़ गई, उड़ने के कारण जो उत्पादन हो रहा था वो भी साथ में बह रहा था, उड़ रहा था, चला गया।
कम हो गया, तो इस कारण से उत्पादन में कमी, आय में कमी, बचत में कमी, निवेश में कमी, ये सर्कल बन गया। और ये सर्कल कब तक चला? 1929 से लेके 33 तक चला, 5 सालों तक चला। इन 5 सालों में अर्थव्यवस्था की पूरी रीढ़ हिल गई। बच्चों, ये आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें 1929 से लेकर 1933 के बीच की हैं, जो उस दौरान की आर्थिक समस्याएं दिखा रही हैं। गरीबी, बेरोजगारी, निराशा, ये देखिए आप, लोगों को टेंट में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, लोग भूख से पीड़ित हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजीविका मांग रहे हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि किस तरीके से हर ओर उदासीनता का माहौल है। एक बच्चा अपने पिता के लिए जॉब मांग रहा है। इस तरह से उन 5 सालों में अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पीड़ित हो चुकी थी। गरीबी, बेरोजगारी, उदासीनता, सरकारी नीतियों का अभाव, ये सभी बातें अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही हैं। अब अगला बिंदु आता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ, यानी कि यह पुस्तक किस संदर्भ में लिखी गई। इसमें हम पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यम होते हैं जो उद्यम को चलाने के लिए या तो स्वयं पूंजी लगाते हैं या फिर उधार लेते हैं। हम किसका अध्ययन करेंगे? पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था का। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, 3 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर स्पेशली हम ध्यान दे रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, क्योंकि ये जो परिस्थितियां जनरेट हुई थी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही जनरेट हुई थी, और उस कारण से जॉन मेनार्ड कीन्स ने वहीं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस शाखा का निर्माण किया था। तो इन्होंने एक लक्षण बताया कि जो उद्यमी वर्ग है वही सारा काम देखता है, वही नीतियां बनाता है, वही पूंजी लगाता है, वही उद्योग स्थापित करता है, वही आय का निर्धारण करता है, और यदि उसके पास पूंजी नहीं होती है तो वह किसी से भी उधार ले लेता है। लेकिन सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती, कोई प्रशिक्षण नहीं देती, कोई सपोर्ट नहीं देती। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगला पॉइंट है 3 प्रकार के उत्पादन के कारकों, जैसे पूंजी, भूमि, श्रम की सहायता से निर्गत उत्पादन के बाद उद्यमी उत्पाद को बाजार में बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है। उत्पादन के 3 कारक बताए उन्होंने, पूंजी, भूमि और श्रम, जिनकी सहायता से किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, और जब उस वस्तु का निर्माण हो जाता है तो उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, और जब वो बिक जाती है तब उससे जो पैसा आता है उसको हम मुद्रा की संप्राप्ति कहते हैं। अब देखेंगे कि संप्राप्ति का उद्यमी करता क्या है। कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए अधिशेष के रूप में प्रदान किया जाता है, कुछ हिस्सा उसमें से वो क्या करता है, भूमिपति को दे देता है या उससे रिलेटेड काम में खर्च करता है। कुछ अंश पूंजी के ब्याज के रूप में दे देता है। हम ये मान के चलते हैं कि वो पूरी पूंजी अपनी नहीं लगाता, वो कहीं ना कहीं से उधार भी लेता है और उसके एवज में वो ब्याज देता है। उसके बाद कुछ श्रम की मजदूरी के रूप में प्रदान करता है, यानी कि जो लेबर उसने रखा था, जो ह्यूमन रिसोर्सेस उसने एक्वायर किया था, उसके लिए वो मजदूरी देता है। फिर क्या करता है, शेष संप्राप्ति को उद्यमी की आय कहते हैं। अब जो बचता है, जो उसने भूमिपति को दिया, जो पूंजीपति को दिया और जो मजदूरों को दिया, उसके बाद जो उसको बचा वो प्रॉफिट कहलाएगा, वो लाभ कहलाएगा। इसका उपयोग उत्पादक आगे नई मशीन खरीदने अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं।
ताकि उत्पादन का विस्तार हो सके। जो संप्राप्ति में जो शेष बचता है उसको साहसी अपने पास रख लेता है, उसको हम लाभ बोलते हैं। लाभ का दो हिस्सा निकालता है, एक तो वो अपने उपभोग पर खर्च कर लेता है, अपनी फैमिली चलाता है, अपना परिवार चलाता है, और जो दूसरा हिस्सा बचता है उसको वो नए कारखाने लगाने में लगा देता है, वो नई मशीनें खरीदने में लगा देता है। तो जो अगला पॉइंट है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। तो जो वो क्षमता में विस्तार कर रहा है उत्पादन में करने के लिए, जो मशीनों का निर्माण कर रहा है, मशीनों को खरीद रहा है और अगला और उत्पादन बढ़ाना चाहता है, उस संदर्भ में जो वो जितना भी एक्सपेंडिचर करेगा वो उसका निवेश व्यय कहलाएगा। इसके बाद आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण हो। अब इन्होंने बताए कि स्पेशली हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कुछ उसके जरूर लक्षण होंगे, उसके इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार का स्वामित्व नहीं होता, प्राइवेट हाथों में होता है। जो व्यक्ति जितना हुनर वाला होगा, जितना कैपेबल होगा, जिसकी जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से वह साधनों को लेगा और उससे निर्माण करेगा। अगला है बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है, यानी कि वो कोई दान धर्म करने के लिए या फिर किसी को ऐसे ही निशुल्क बांटने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। वो हमेशा ऐसी चीजों का उत्पादन करेगा, ऐसी चीजों के उत्पादन पर फोकस करेगा जिसका उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लाभ अधिकतम होने की जहां जहां संभावना होगी वो उन संभावनाओं के बारे में देखेगा, सोचेगा। अगला पॉइंट आता है श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। श्रमिकों की सेवाएं, उसको श्रमिक भी चाहिए होते हैं अपना सामान बनाने के लिए, अपना कारखाना चलाने के लिए। तो जिस दर पर वह उनको खरीदता है या बेचता है उसको हम मजदूरी की दर कहते हैं। बच्चों अब आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रमुख चार क्षेत्र होते हैं। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में भी आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताइए। यहाँ पर पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके हम चार क्षेत्र बता रहे हैं। पहले नंबर पर परिवार। परिवार क्षेत्र जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है उसे परिवार क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोग करता है उनको अल्टीमेटली हम परिवार मान लेते हैं। इस क्षेत्र में परिवार क्षेत्र के उत्पादन के घटकों का स्वामी भी परिवार होता है। ये चीज समझने की है बच्चों कि हम यहाँ पर उत्पादन के घटक कौन कौन से हैं। उत्पादन के घटक हैं भूमि, पूंजी, प्रबंध, साहस। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे जो घटक हैं ये भी फैमिली से ही आते हैं। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली है जिसमें 5 सदस्य हैं। पहला व्यक्ति घरेलू है, घर में रहता है। दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कि वो कोई डॉक्टर है, वेतन पाता है। तीसरा व्यक्ति किसान है जो खेती करता है, उत्पादन करता है। चौथा व्यक्ति साहसी है जो निजी व्यवसाय चलाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये जो घटक हुए ये परिवार से ही आए क्योंकि 5 लोग एक फैमिली के मेंबर हैं। इधर तो ये उत्पादन के घटक हैं और यदि हम ऊपर देखें तो वही उपभोक्ता भी है। वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता सामग्रियां खरीदते हैं। इस लिहाज से परिवार एक अर्थव्यवस्था के लिए सफिशियंट है चलाने के लिए। वहां से हमें उपभोक्ता भी मिल रहा है और उत्पादक वर्ग भी मिल रहा है। दूसरे नंबर पे आइए फर्म। किसी
भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाई को फर्म कहा जाता है, कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। यदि कोई भी उत्पादन कर रहा है, कोई भी इकाई उत्पादन कर रही है, तो हम उसको नाम देंगे कि वो फर्म है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व तो उद्यमियों पर होता है। उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है। अल्टीमेटली चाहे भूमिपति हो चाहे पूंजीपति हो, वो लोग पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते। पूंजीपति सिर्फ पूंजी देगा, भूमिपति अपनी भूमि दे देगा काम करने के लिए, लेकिन उद्यमी जो होगा वो सारे संसाधनों को इकट्ठा करेगा और उनके संयोजन से उत्पादन करेगा, कारोबार का संचालन करेगा। उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन कर उन्हें बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करना होता है। उद्यमी का मेन उद्देश्य होता है कि हम उन वस्तुओं का उत्पादन करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। वो ऐसे ही वस्तुओं को टारगेट करता है ताकि वो अपना मुनाफा ज्यादा कर सके। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तीसरा घटक है बच्चों, वो है सरकार। सरकार किसी विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक संस्था होती है। निजी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था रहेगी उसमें निजी उद्योगपति काम करेंगे, लेकिन उसका नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है बच्चों? सरकार के द्वारा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, इन सबका कंट्रोल पावर गवर्नमेंट के पास होता है। कह सकते हैं कि वो एक रेगुलेटरी सिस्टम के तरीके से काम करेगी। उसके अनुरूप जो एक संस्था है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, उत्पादन कार्य भी करता है। आप देखते हैं कि रेलवे से जो आय होती है वो सरकारी आय होती है, बैंकिंग भी बहुत सारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सालय बहुत सारे हैं, सरकारी विद्यालय आप देखते हो, तो ये सब कहीं ना कहीं वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कई प्रकार के कर लगाता है, ये वाला काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कर सिर्फ सरकार लगाती है जिससे उसको आय होती है, तथा नागरिकों को कई प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। कौन कौन सी सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराता है? सड़कें बनाना, बांध बनाना, चिकित्सालय निर्माण, और इसके साथ साथ आप ले सकते हो विद्यालय का निर्माण। यानी कि वहीं से वो आय भी कर रहा है, व्यय भी कर रहा है और नियंत्रण भी कर रहा है। तो कह सकते हैं इसके तीन काम हैं: नियंत्रण प्लस आय जनरेट करना, यानी कि इनकम भी आती है इनके पास, प्लस ये सेवाओं पर और वस्तुओं पर व्यय भी करते हैं। अब बच्चों लास्ट है चौथा घटक, विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात द्वारा फर्म, परिवार और सरकार से राजस्व प्राप्त करता है। विदेशी क्षेत्र कहाँ से राजस्व प्राप्त करता है? फर्म से करता है, परिवार से करता है और सरकार से भी करता है। यह फर्म और सरकार से आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान भी करता है। बच्चों एक अर्थव्यवस्था के लिए ये तीन घटक सफिशियंट मान सकते हैं हम इन्हें। सरकार, परिवार और फर्म। हम देख रहे थे कि सरकार नियंत्रण कर रही है, आय भी कर रही है और व्यय भी कर रही है। परिवार के मामले में हमने देखा कि वो फर्स्ट नंबर पे इसलिए है क्योंकि वहीं से उत्पादक भी आ रहे हैं और वहीं से उपभोक्ता भी आ रहे हैं। फर्म को हमने इसलिए इम्पोर्टेंस दी क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, बिना उत्पादन के अर्थव्यवस्था किसी काम की नहीं होती। थोड़ा बहुत उत्पादन करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन इन तीनों से विकास हो रहा है
पर यदि आपको अपनी इकोनॉमी की विकास की गति की दर को बढ़ाना है बच्चों, तो आप विदेशी क्षेत्र को भी सम्मिलित करोगे। इससे होगा क्या? इससे दो काम होंगे, आयात और निर्यात। बच्चों हम मान के चलते हैं कि पूरे भूमंडल पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं पे कुछ पैदावार ज्यादा होता है, कहीं पर कुछ पैदावार ज्यादा होता है। कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है और कोई चीजों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। तो जब हम विदेशी क्षेत्र को सम्मिलित कर लेंगे तो हम उन चीजों को आयात कर सकेंगे दूसरे देशों से, जो हमारे जरूरत की है, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगी। और जस्ट आप देखिए कि निर्यात करेंगे हम उन वस्तुओं का जो हमारे लिए काम की नहीं है। ऐसे में जो काम की नहीं है वो बाहर जाएगा और जो काम की है वो बाहर से अंदर आएगा, जिसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था की गति बढ़ जाती है। तो बच्चों अब हमने समझा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये जो चार क्षेत्र हैं, ये किस तरीके से अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अभी तक बच्चों अध्याय प्रथम में आपको जो भी पढ़ाया गया, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब वो नोट करेंगे, और इसके साथ साथ गृह कार्य के लिए भी हम आपको चार प्रश्न दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तीसरा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का वर्णन करें। तो आपको इन चारों प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आज के लिए ही बस इतना ही। अगला जो अध्याय हम शुरू करेंगे उसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसके आगे का ही चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय आय की जो मूलभूत संकल्पनाएं क्या क्या हैं, राष्ट्रीय आय का हम निर्धारण कैसे करेंगे, उनके मेथड्स के बारे में बताया जाएगा, विधियों का प्रयोग बताया जाएगा कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। और इसके बाद में हम आपको बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद का कल्याण से क्या संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।